कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होली का लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजे प्रह्लाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रह्लाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा, होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आग में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आग लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई, बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा, कभी अपने भतीजे को श्राप दिया, कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी दो साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, एक साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और एक मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी, तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना, अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या, चार भाई एक साड़ी, बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी, अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, काटा है जोड़, और पैकिंग करके, और चार भाई एक साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की। किसी ने पूछा कि क्यों रे, चारों भाइयों ने मिलके एक साड़ी दी, अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, एक थाली खाने की लगाओ, एक भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ, एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से चार भाई का एक साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के तीन भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा। गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रिया कि होली जैसा है, दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है,
मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे, हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमत्ता के कारण आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया तुम कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को एक लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले एक बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है हमारा, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंडे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में, जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो, मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज, लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र का, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा,
आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया है। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका पांचवा स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा, रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। तीन मुख्य रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता, लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने तीन मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगा, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो। शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, जो शास्त्र सम्मत है स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में, जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को एक रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो, क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो, वो शंभो, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ,
जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में तोड़ के चढ़ा आना, दो चार बार कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा, स्वयं करिए। ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मा हैं, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु हैं, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, केवल शंकर, केवल शिव, मृत्यु लोक का देव। अभी एक विचार करो, तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रह रहा वो आएगा क्या? पूना में बच्चे रह रहे हैं वो आएंगे क्या? इंदौर में बेटी रह रही वो आएगी क्या? उज्जैन में कोई रह रहा है वो आएगा क्या? सबसे पहले वो आएगा जो तुम्हारे घर के पास होगा या घर के करीब में होगा, बिल्कुल लगा हुआ होगा या घन में होगा। अब आप कहां रहते हो? जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना, कहां रहते हो? पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में रहते हो,